हेलो भाइयों, मेरा नाम है आर्यन और आज मैं आप सबके लिए हीरो स्प्लेंडर का ओवरव्यू स्पेसिफिकेशन का वीडियो लेके आया हूँ। इस जो ये सामने आपके हीरो स्प्लेंडर आपको दिखाई दे रही है, इस स्प्लेंडर को आज तो नहीं, 2 महीने पहले, इसको 8 साल हो गए, मतलब कि 8 साल 2 महीने पुराने हो लिए स्प्लेंडर। लेकिन ओनर ने बहुत अच्छे से इसको संभाल के रख रखा है। तो भैया ये है 2012 मॉडल और उस टाइम पे इन्हें ये कुछ 48,000 रुपये की पड़ी थी। ये हीरो स्प्लेंडर प्रो है जिसमें कि उस टाइम पे इलेक्ट्रिक स्टार्ट का भी ऑप्शन आता था। इंजन उस टाइम इसमें 97 cc का आता था जो एयर कूल्ड है और 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर इंजन आता था। इंजन तो आज भी यही आता है स्प्लेंडर में, बस जो फ्यूल इंजेक्शन टाइप है वो इन्होंने ऑटोमेटिक वाला कर दिया BS6 में, और इसमें कार्बोरेटर टाइप आता है। ये BS3 बाइक है, नंबर ऑफ सिलेंडर 1 है इसमें और नंबर ऑफ बोल्ट 2 है। मैक्स पावर जो ये देती थी वो 8.02 PS की देती थी 8000 RPM पे। मैक्स टॉर्क जो ये निकाल के देती थी 8.5 न्यूटन मीटर का देती थी निकाल के टॉर्क 6000 RPM पे। जो इसके फ्रंट ब्रेक हैं वो ड्रम मिलते हैं और जो रियर के भी जो ब्रेक हैं वो भी ड्रम ही मिलते हैं। आज भी मतलब कुछ ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है इस बाइक में जब से जो ये लॉन्च हुई है, शायद 1995 या पता नहीं उससे पहले ये लॉन्च हुई है। तो मतलब बॉडी में और इसमें अभी तक कोई चेंज नहीं है, सेम पहले इनका हीरो और होंडा का दोनों का कोलैब था। तो जब बाद में इन्होंने अलग अलग हुए तो इन्होंने अपने अपने प्रोडक्ट अलग कर लिए, जो हीरो ने ले ली स्प्लेंडर। तो इसका लुक अभी तक इन्होंने चेंज नहीं किया, लेकिन और इसकी जो बिक्री है वो भी भाई मतलब देश की जान बोल सकते हो अभी से। ये जो कोई बच्चा जैसे हम हैं, हमारी एज के ग्रुप है, उनको अगर नॉर्मल बाइक चाहिए ना तो वो स्प्लेंडर की तरफ जाता है। कोई और बड़े हैं 30, 40, 45 साल के, उनको भी कोई बाइक चाहिए वो भी स्प्लेंडर पे जाता है। मतलब ये हर एक एज ग्रुप के लिए परफेक्ट बाइक है। जो हमारी एज के लिए है उनको थोड़ी पावर चाहिए, पिकअप चाहिए, सारी चीज़ इसमें हमें मिलती हैं। और जो ऊपर एज ग्रुप के लिए चाहिए उनको रिलायबिलिटी चाहिए, उनको ये भी मिलती है। तो कंपनी ने ओवरऑल अच्छा पैकेज बना रखा है इसका। जो इंजन है इसका ये मतलब रिलायबल बहुत है। पहले की मैं बात बताऊँ, 10-12 साल पहले जो स्प्लेंडर के जो इंजन थे ना वो चोर बाइक नहीं लेके जाते थे, इसका इंजन निकाल के ले जाते थे, फिर इनका जनरेटर बनाते थे बिजली बनाने के लिए। तो इनका इंजन है बहुत रिलायबल। बाकी अब हम बात करते हैं फ्यूल कैपेसिटी का। इसमें लगभग 10 लीटर की फ्यूल कैपेसिटी मिलती है और ब्रेकिंग टाइप है इसमें इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम है। इसमें जो स्पीडोमीटर है इसमें वो हमें एनालॉग मिलता है और ट्रिप मीटर है वो भी हमें एनालॉग ही मिलता है। और इसमें कंपनी से ही फ्यूल गोज आता है, जो कि अपनी बड़ी बड़ी बाइक होगी रॉयल एनफील्ड की, उनमें तो अभी भी फ्यूल गोज नहीं दे रही कंपनी। ये बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है हाईवे वगैरह पे चलते वक्त, कहीं दूर जाते वक्त पता नहीं चलता, लेकिन इसमें कंपनी शुरू से ही देती है। ड्राइविंग टाइप है इसमें चेन टाइप है, जो अपनी स्कूटी वगैरह होती है या फिर और बड़ी बाइक हार्ले वगैरह होती है उसमें बेल्ट टाइप आती है, इसमें चेन टाइप आती है। फ्यूल सप्लाई इसमें जैसे कि मैंने आपको बताया ये BS3 मॉडल है जिसमें कार्बोरेटर टाइप आती है फ्यूल सप्लाई। BS5-4 तक आ रही है इसमें कार्बोरेटर सप्लाई, BS6 में अभी इन्होंने
जैसे कि अपने फ्यूल नॉर्म चेंज हुए तो इन्होंने फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम डाल दिया इसमें, वो इलेक्ट्रॉनिकली इंजन में सप्लाई कर देता है फ्यूल को, जिससे थोड़ी बहुत माइलेज भी अच्छी निकल के आ जाती है। कंपनी जो इसकी माइलेज क्लेम करती है वो करती है 65 किलोमीटर पर लीटर की, जो कि बहुत है। ज़्यादा इसको भगाओगे तो कम से कम ये 58 की तो दे ही देती है। मैं जो भी ओनर है मैंने उनसे पूछा है। ट्रांसमिशन इसमें हमें मैनुअल मिलता है और गियर बॉक्स इसमें 4 स्पीड गियर बॉक्स आता है। फ्रंट सस्पेंशन इसमें टेलीस्कोपिक शॉक एब्जॉर्बर है, जो कि गड्ढों में झटके बहुत कम महसूस होने देते हैं। और जो रियर है वो हमें हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर मिलता है, जो कि पीछे वाले जो को पैसेंजर होते हैं उनको झटके बहुत कम महसूस होने देता है। ग्राउंड क्लियरेंस के मामले में ये बाइक आपको कभी निराश नहीं करेगी, मतलब 165 mm बहुत है इसकी ग्राउंड क्लियरेंस। स्पीड ब्रेकर वगैरह पे कभी कोई टच नहीं होगी बाइक आपकी। आगे बात करते हैं इसके फ्रंट लुक की। तो भैया फ्रंट लुक में तो इसको जो हेडलाइट यूनिट है इसमें हेलोजन मिलता है, आज भी इसमें हेलोजन ही आता है। जो टेल लाइट है इसकी उसमें भी हेलोजन ही बल्ब प्रोवाइड करती है कंपनी। जो टायर साइज है इसका, टायर साइज हमें मिलता है 80/100 रेशो के मिलते हैं टायर आगे पीछे दोनों, और ये 18 इंची के हैं। व्हील इसमें जब से इन्होंने क्या कहते हैं हीरो और होंडा ने अलग अलग कोलैब किया है, तो हीरो इसमें अपने अलॉय व्हील ही दे रही है, चाहे आप स्प्लेंडर प्लस ले लो चाहे आप प्रो ले लो। तो इस ये बात इनकी अच्छी है कि अलॉय व्हील दे रही है। बाकी तो भाई जो स्प्लेंडर आज के दिन जो जानी जाती है वो इसकी मॉडिफिकेशन के ऊपर जानी जाती है। जो भी लोग लेते हैं कब कुछ ना कुछ तो इसमें कराते ही कराते हैं। हमारे एज ग्रुप के मतलब 17, 18, 19, 20 साल के वो तो मॉडिफाई करा देते हैं, मतलब सब कुछ शो टाइप की बाइक बना देते हैं। तो ये भी अपने कराते रहते हैं मॉडिफाई, ऐसी बात नहीं है, सारी चीज़ कराते रहते हैं। इनकी जो एज टाइप को चाहिए वो सारी चीज़ संभाल के रखते अपने बाइकों को। बाकी इसमें जो साइलेंसर पे जो कवरिंग आती है इससे जो पीछे बैठते हैं उनको बहुत अच्छी तरह सेफ्टी हो जाती है। एक बार इसको स्टार्ट करके दिखाता हूँ आपको। अभी भी ये 8 साल हो गए, अभी भी ये सेल्फ इसका काम कर रहा है। देखिए भाई अब होगी स्टार्ट। इसका फ्यूल थोड़ा कम था, ये ऑन में लगी हुई थी, अब मैंने रिजर्व में लगा के स्टार्ट करी तो होगी। वैसे कोई दिक्कत नहीं, इसकी आरपीएम थोड़ी कम हो रखी है, ये सेट करवानी पड़ेगी। बाइक में कोई दिक्कत नहीं है, ओके। मैं आप सबको सजेस्ट ज़रूर करूँगा कि आप अगर बाइक लेने जा रहे हो और अगर आपको 100 cc में बाइक चाहिए तो आप स्प्लेंडर पे ज़रूर जाएं, मतलब वैल्यू फॉर मनी बाइक है, कोई दिक्कत नहीं। सर्विस कोई भी कर देता है इस बाइक की, सर्विस सेंटर पे कहीं पर ले जाओ। बाकी आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। Quarters in my pockets, counting like the four leaf clovers in my lap.